हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हम आ गए अपना नया पाठ लेकर चंद श्री चंद्र गहना से लौटती बेर ये जो पाठ है ये केदारनाथ अग्रवाल द्वारा जी के रचित है इन्होंने केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा हुआ है ये पाठ साथ इस में इसमें क्यों ऐसा ऐसा अजीब सा नाम दिया है श्री चंद्र गहना से लौटती बेर ऐसा हुआ था एक बार केदारनाथ अग्रवाल जी जो है वो एक गाँव है चंद्र गहना से लौट के आ रहे थे तो रास्ते में कुछ खेत खलियान पड़े उनका मन एकदम मोहित हो गया वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर तो क्या हुआ वो आकर कहाँ बैठ गए उसी खेत पर तो तभी उन्होंने ये पूरा ध्यान में आया वो पूरी कविता लिखी और इसका टॉपिक लिख दिया श्री चंद्र गहना से लौटती बेर यानी कि वो उस गांव से आ रहे थे कौन सा गांव श्री चंद्र गहना से तो इसलिए इन्होंने इस पाठ का नाम ही रख दिया श्री चंद्र गहना से लौटती तो इस पाठ में प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है तो इसमें जो भी हम पढ़ेंगे वो हमें प्रकृति के करीब लेकर जाएगा साथ ही बहुत सारी चीजें हम जो है तुलनात्मक तरीके से भी देखेंगे कि प्रकृति की तुलना किस किस तरीके से इन्होंने करी है चलिए देखें आगे देख आया चंद्र गहना देखता हूं दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले क्या लिया देख आया चंद्र गहना अर्थात मैं चंद्र गहना नामक गांव को देख कर आ रहा हूं देखता हूं दृश्य अब मैं और मतलब भी मैं उस गांव से लौट रहा था तो मैंने अभी वो दृश्य देखा कौन सा जो अभी मैं आपके सामने तभी मैंने ये इतना सुंदर दृश्य देखा मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला यानी कि इस मेड़ जो खेत के किनारे किनारे जो बॉर्डर बनाया रहता है जैसे खेत को डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं मेड़ तो वो मेड़ बहुत पतली पतली सी ऐसी इतनी पतली पतली सी मेड़ होती है तो वो कहते हैं मैं उस मेड़ पर खेत की मेड़ पर मैं अकेला ही बैठा हुआ हूँ एक बित्ते के बराबर मतलब वो कितनी कितनी चौड़ी है सिर्फ एक बित्ता जब हम इससे हम ऐसे करके नापते हैं ऐसे तो ये होता है एक बित्ता तो बोलते हैं एक बित्ते के बराबर यानी कि इतनी चौड़ी हुई मेड़ है जिस मेड़ पर मैं बैठा हूं वो सिर्फ एक बित के बराबर है यह हरा ठिंगना चना तभी वो जो है ना जब मेड़ पर बैठ जाते हैं तो उनको सामने एक छोटा सा चने का पेड़ दिखाई देता है ठिंगना क्यों बोला है क्योंकि चने का जो पेड़ होता है वो छोटा ही रहता है वो बड़ा नहीं होता तो वो छोटा सा है तो क्या बोलते ठिंगना सा चने का पेड़ यानी कि मैंने अभी जो है चने का एक ठिंगना सा पेड़ देखा बांधे मुराठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का तो क्या होता है चने के पेड़ पर गुलाबी रंग के फूल खिलते हैं जब चने निकलने से पहले गुलाबी रंग के फूल खिलते हैं तो वो क्या कहते हैं कि उसने मुरैठा बांधा हुआ जैसे आप लोग देखते हैं ना शादी ब्याह में जो है वर पक्ष वाले गुलाबी रंग की पगड़ी बांधते हैं सर पे तो वही कहते उसको बोलते हैं मुरैठा पगड़ी का मतलब होता है मुरैठा बांधे हुए तो कहते हैं कि उस ठीगने से चने के पौधे ने सर पर जो है गुलाबी रंग का एक मुरैठा बांधा हुआ है अर्थात तो उसके ऊपर गुलाबी रंग का एक फूल खिला है जिसको उन्होंने तुलना किससे कर दी गुलाबी रंग के मुरैठे से सज कर खड़ा है यानी कि सज धज कर खड़ा है तो यहाँ पर जब कवि ने आपको चने की तुलना किससे करी है एक दूल्हे से करी है अर्थात एक दूल्हा जैसे सज धज के सर पे मुरैठा बांध के खड़ा रहता है तो वही कह रहे हैं कि एक चने का पेड़ जो है वो दूल्हे के समान सज धज कर और सर पर मुरैठा बांध कर खड़ा हुआ है पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली देह की पतली कमर की है लचीली नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कर रही जो छुए हुए छुए यह दो हृदय का दान उसको तो यहां पर क्या दिया है साथ में मतलब अब उन्होंने चने के पेड़ का जो था वो किससे तुलना कर दी उन्होंने दूल्हे से कर दी अब क्या है उसी समय वहीं पर मिलजुल कर एक अलसी की जो है जो वो अलसी का पौधा भी उगा हुआ, हुआ है अलसी होती है पतली सी भूरी भूरी सी होती है उसका पौधा उगा हुआ है तो वहां पर उन्होंने क्या बताया कि पास ही मिलकर उगी है यानी कि चने के खेत के जो चने का पेड़ उन्होंने देखा उसी के पास में अलसी का पेड़ जो अलसी का पेड़ है वो भी मिलकर उगा हुआ है बीच में अलसी हटीली हटीली मतलब क्यों वो हट करके इतने सारे पेड़ों के बीच में वो हट करके यानी कि जिद करके अकेली उगकर खड़ी है देह की पतली कमर की लचीली अब क्या है अब उसका पेड़ ज्यादा फैलता नहीं है वो लंबी सी पतली सी खड़ी होती है इसलिए उसको क्या किया पतली देह वाली और लचीली कमर क्योंकि हवा के साथ वो बार बार ऐसे ऐसे जो है वो हिल रही है तो क्या दिया उसको कि वो लचीली कमर की है नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर और अलसी का फूल कैसा निकलता है नीले रंग का तो ऊपर सर पे पेड़ के ऊपर सबसे ऊपर नीले रंग का फूल खिलाए तो उन्होंने कहा सर पे नीले रंग के फूल को रख कर कर रही जो छूए यह कहती है कि अगर नीले रंग के फूल को कोई छू ले तो मैं उसको अपना हृदय दान में दे दूंगी तो ये तो अभी सामने आपके सामने ये आया अब इन्होंने तुलना क्या करी है इन्होंने तुलना जो है अलसी की करी है एक युवती के साथ में मतलब पतली सी एक जो कन्या लड़की है वो बीच में खड़ी हुई है अलसी के पौधे की तुलना इन्होंने लड़की के साथ करी है यहाँ से ये एक पत, एक अलसी का जो हटीला पेड़ उगा हुआ है बीच में वो एक जो है नव युवती के समान पतली देह वाला है और कमर का लचीला है जैसे लड़कियां पतली देह वाली इधर से उधर कूदती वगैरह हैं उसी तरीके से अलसी का पेड़ हवा से बार बार झुक रहा है उठ रहा है झुक रहा है और उसने सर पर नीले रंग का फूल रखा है और ये कह रही है कि जो कोई इसको झूलेगा मैं उसे अपना दिल दे दूंगी अर्थात मैं उसे अपना प्रेमी मान लूंगी तो यहां पर आपको जो चीज बताई जा रही है ध्यान से देखते चलेगा कि हर एक चीज की सिमिलैरिटी दिखाई जा रही है जैसे चने के पेड़ को दूल्हे से कंपेयर किया गया है अलसी के पेड़ को एक नवयुवती से कंपेयर किया गया है इन सब की तुलना की जा रही है कि साथ साथ में बताया जा रहा है और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे तो अब इन्होंने क्या बोला सबसे पहली लाइन से शुरू करते हैं और सरसों की ना पूछो अब बगल में सरसों का एक पूरा खेत है तो अब उन्होंने सरसों पर भी लिखना शुरू किया सरसों का क्या होता है पीली पीले फूल होते हैं और हरी सी देह होती है तो क्या बोलते हैं कि सरसों की तो बात ही मत पूछो अब वो सयानी हो गई सयानी का मतलब क्या हो गया अब वो ब्याह के लायक हो गई है अब उसकी शादी करनी है ब्याह के लायक हो गई और उसने हाथ पीले कर लिए अर्थात उसने हाथ पीले करने का मतलब क्या है उसने पीले फूल धारण किए हुए हैं तो अब उसने अपने हाथ पीले कर लिए ब्याह मंडप में है पधारी और शादी के मंडप में जैसे अभी अभी पधारी हो फाग गाता मास फागुन आया और फाग गाता हुआ मतलब जैसे कि शादी में शहनाई वगैरह बसती है वैसे ही यहाँ पर चारों तरफ फाग गाए जा रहे हैं फाग कब गाए जाते हैं होली के टाइम फाग गाए जाते हैं उस समय फागुन मास होता है तो फाग जो गाया जा रहा है यानी कि मास यानी फागुन मास जो है वो फाग गाता हुआ आ चुका है और आज चारों तरफ जो है संगीत ही संगीत सुनाई दे रहा है अब यहां पर इन्होंने सरसों की तुलना किससे करी है नई दुल्हन से जो दुल्हन सज धज के मंडप में पधारी है मतलब सज गई है और कहाँ पर आ गई है अब अपने ब्याह के लिए मंडप में आ गई है क्योंकि चारों तरफ जो ब्याह मंडप जो इन्होंने दिया ना ब्याह मंडप में पधारी ब्याह मंडप का मतलब यह है कि चारों तरफ इतनी सुंदरता है जैसे शादी का मंडप सजाया जाता है खूब डेकोरेशन होता है सुंदर लगता है उसी तरीके से यहाँ पे प्रकृति ने अपने आप में ही मंडप सजा रखा है चारों तरफ इतनी सुंदरता भर रखी है तो ये तो हमने आपको लाइन वाइज समझाया लेकिन इसको आप कैसे लिखोगे अब क्या कहते हैं फिर जो है केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि सरसों की तो बात ही ना करो सरसों जो है है, वो वो अब सयानी हो चुकी है, अर्थात वो शादी के लायक हो गई है उसने अपने हाथों को पीला रंग से रंग लिया है और सज धज कर तैयार होकर वो ब्याह के मंडप में पधार गई है यानी कि ब्याह के मंडप में आ गई है और इस प्रकृति ने पूरे दृश्य को जो है वो ब्याह के मंडप की तरह सजा रखा है और जो चारों तरफ संगीत बजता है वो सारा कार्य फागुन के फाग कर रहे हैं फागुन मास में गाए जाने वाले फाग जिस तरीके से गाए जा रहे हैं इसी तरीके से ब्याह मंडप में भी शहनाई वादन होता है और आज पूरे प्रकृति जो है वो ब्याह मंडप की तरह सजी हुई है देखता हूं मैं स्वयंबर हो रहा है प्रकृति का अनुराग अंचल हिर रहा है इस विजन में दूर व्यापारिक नगर में प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है तो यहाँ पर अब क्या दिया है देखता हूं मैं स्वयंबर हो रहा है मतलब प्रकृति में जो है कोई दूल्हा बना है कोई दुल्हन बना है जैसे लग रहा है कि यहाँ पर कोई स्वयंबर चल रहा है कि मतलब एक जो दुल्हन है और उसको पाने के लिए बहुत सारे जो हैं दूल्हे आए हुए हैं और चारों तरफ का जो मंजर है वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है प्रकृति के अनुराग अंचल हिल रहा है मतलब चारों तरफ जो है प्रकृति के आंचल में सिर्फ सुंदरता ही सुंदरता व्याप्त है इस विजन में जो मैं अभी जो दृश्य देख रहा हूं विजन मतलब जो अभी हम देख रहे हैं जो मैं ये इस समय दृश्य देख रहा हूं दूर व्यापारिक नगर में अब कहां से वो आए तो गांव से लेकिन रहने वाले कहाँ के हैं शहर के तो कहते हैं दूर व्यापारिक नगर अर्थात शहर में जिस शहर में प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है जो वहाँ पे भूमि क्या है वहाँ पर भूमि पर कंक्रीट का जंगल उगा हुआ है कंक्रीट का जंगल उगना मतलब चारों तरफ कंस्ट्रक्शन हुआ पड़ा है चारों तरफ इमारतें खड़ी हैं वो भूमि भी प्या प्रेम की प्यासी है अर्थात वो भी उपजाऊ है वो जो शहर की जो दूर जो शहर की जो भूमि है वो भी बहुत अधिक उपजाऊ है और प्रेम की प्यासी है और पैरों के तले एक पोखर उठ रही इसमें लहरियां। अब अब उन्होंने ये बता दिया कि अब जैसे ही वो प्रकृति का दृश्य जब इमेजिन कर रहे थे तो साथ में उनको अपने शहर की भी याद आ रही थी कि शहर में भी हमें कितना अधिक ये सब चीजों को हम मिस करते हैं यानी कि जब हम शहर जाते हैं तो ये प्रकृतिक दृश्य कितना मिस करते हैं तो अब उसके बाद क्या रहा? फिर से अभी उनको एक पल के लिए शहर याद आया था फिर से ये वापस उसी दृश्य में आ गए जो वो वहां पर बैठ के देख रहे थे क्या था और पैरों के तले है एक पोखर उठ रही इसमें लहरिया नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही वो भी लहरिया एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चमकाता है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी प्यास जाने कब बुझेगी अब इन्होंने देखिए आपके सामने हर हाँ चीज को सिमिलर करते हुए चले अब यहाँ पर इन्होंने मानवीयकरण अलंकार का इस्तेमाल किया है कैसे इन्होंने किया है कि जहाँ ये बैठे हैं वहीं उनके पैरों के पास थोड़ी दूर पर एक तालाब है तो कहते क्या और पैरों के तले एक पोखर यानी जहां बैठे हैं उससे थोड़ी दूर पर एक तालाब है उठ रही इसमें लहरियां और हवा से क्या है उसमें धीरे धीरे लहरियां यानी कि लहर उठ रही है हवा के वेग से जो पानी है उछलने लगता है ना तो पानी के हवा के वेग से पानी में लहरियां उठ रही हैं बहुत जोर जोर से तो नहीं उठ रही हैं छोटी छोटी उठ रही से लहरियां ना कि लहरें तो लहरियां उठ रही हैं ले रही वो भी नील तल में जो उगी है घास भूरी यानी कि जब तालाब को हम देख रहे हैं तो वो हमें नीला दिखाई दे रहा है क्यों नीला दिखाई दे रहा है क्योंकि वो बाहर साफ और स्वच्छ है और नीला आकाश उसमें प्रतिबिंब दे रहा है पानी में हम देखेंगे तो क्या हमें दिखाई देगा हमें आसमान ही दिखाई देता है और उसका रिफ्लेक्शन हमें क्या पड़ेगा नीला पड़ेगा तो वही कहते हैं जो नीला तल दिखाई दे रहा है अर्थात तालाब एकदम साफ है तो कह रहे हैं जो नीला हमें तल दिखाई दे रहा है तालाब का उसमें छोटी छोटी घास उगी हुई है उसमें घास उगी हुई है और जब हवा के वेग से पानी लहरियां ले रहा है तो वो घास भी धीरे धीरे हिल रही है जब लहरियां ले रही है तो लहरिया के साथ क्या है तल में उगी हुई घास भी जो है वो लहरा रही है एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा अब चांदी का बड़ा सा गोल गोलखंबा वहां कैसे आ जाएगा क्या होता है जैसे तालाब होता है तो तालाब में जब सूरज का रिफ्लेक्शन बनता है तो एक चमकदार लाइन बनती है जैसे होता है ना ये ऐसे करके एक तालाब बन गया अब यहां पे सूरज चमक रहा है तो सूरज की रोशनी से यहां ऐसे 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 करके जो है ना रोशनी बनेगी ना तो ये जो रोशनी है इसको क्या बोला है कभी ने इसने कवि ने बोला है इसको चांदी का बड़ा सा गोल खम्बा क्योंकि ये सुने जो है चांदी जैसा चमक रहा है तो वो क्या कह रहे हैं चांदी का एक बड़ा सा गोल खम्बा तालाब में चमक रहा आंख को है चमकता उसका जब उसका रिफ्लेक्शन जब कवि की आंखों में पड़ रहा है तो उनकी आंखों में वो बहुत अधिक चमक रहा है।, है कई पत्थर किनारे अब तालाब के किनारे किनारे क्या है बहुत सारे पत्थर रखे हुए होता है तालाब सभी तालाबों के किनारे बहुत सारे पत्थर रखे रहते हैं तो कहते हैं तालाब के किनारे बहुत सारे पत्थर रखे हुए पी रहे चुपचाप पानी और पानी उनके पास जाके ऐसे छू के और फिर वापस आ जाता है तो जैसे लगता है जितना पानी गया वो पानी जो है पत्थरों ने पी लिया है देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे पानी उनके पास गया और पत्थरों ने वो सारा पानी पी लिया तो पानी जो है वो कम हो जाता है इस तरीके से देखने में प्रतीत होता है तो जैसे कह रहे हैं क्या यहाँ पर कि पानी जब उनको छूता है तो जैसा लगता है कि पत्थर पानी पी रहे हैं प्यास जाने कब बुझेगी ना जाने इन पत्थर कब से पानी पी रहे हैं ना जाने कब से ये तालाब के किनारे खड़े हैं और पानी को पीते जा रहे हैं पता नहीं इनकी प्यास कब बुझेगी तो यहाँ को हम इसको फिर आपको दे रहे हैं रिफ्लेक्शन कैसे आपको पूरा इसका आएगा और पैरों के तले तो जहां पर कवि बैठे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि वहां पर जहां मैं बैठा हुआ हूं वहां मेरे पैरों से थोड़ी ही दूर पर एक तालाब है और तालाब में हवा के वेग से कुछ लहरियां उठ रही हैं और उस तालाब का जल जो है वो बहुत अधिक स्वच्छ है और उस पर नीले रंग के आकाश का जो है वो प्रतिबिंब पड़ने के कारण उसका तला एकदम साफ दिखाई दे रहा है तले में छोटी छोटी सी घास उगी हुई है और जब हवा के वेग से पानी में लहरियाँ उठ रही हैं तो उस वेग से तले में उगे हुए घास भी धीरे धीरे हिल रही हैं चांद सूरज का जो प्रतिबिंब हमें तालाब में दिखाई दे रहा है उसकी रोशनी से एक चांदी सा बड़ा गोल खंभा उसके प्रकाश से जो है जो पानी चमक रहा है जैसे लगता है वहाँ पर एक चांदी का बड़ा गोल खंभा लगा हुआ है जो मेरी आँख में बार बार चमक रहा है जिसमें रोशनी आ इतनी तेज आ रही है कि जो मेरी आंखों को चमका देती है वही तालाब के किनारे बहुत सारे पत्थर लगे हुए हैं इन पत्थरों के पास जाकर पानी ऐसे रुकता है जैसे मानो लग रहा हो कि पत्थर जो हैं वो पानी को पी रहे हैं ये पत्थर ना जाने कब से यहाँ पर हैं और ये पानी पिए ही जा रहे हैं ना जाने इनकी प्यास कब बुझेगी फिर क्या चुप खड़ा बगुला डुटा डुबाए टांग जल में देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है चिट गले को डालता है एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली चोच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में तो अब इन्होंने क्या बोला कि जो है जो है वो तालाब है तालाब में एक बगुला चुपचाप जो है चुपचाप क्या है अपनी टांगे पानी में डुबो के चुपचाप खड़ा हुआ बिना हिले डुले कोई आवाज किए बगुला जो है वो अपनी दोनों टांगे पानी में डुबाए हुए खड़ा हुआ है देखते ही मीन चंचल यानी जैसे ही वो चंचल मछली को देखता है तालाब के अंदर वो जैसे ही अपनी चंचल मछली को देखता है मीन मतलब मछली मछली को दे, देखता है वैसे ही वो अपनी ध्यान निंद्रा छोड़ देता है जैसे एक साधु ध्यान में नहीं लगा रहता है तो वही उन्होंने बोला कि बगुला जैसे वहां पे ऐसे खड़ा हुआ है जैसे कोई साधु जो है वो ध्यान लगाकर बैठे और जैसे ही उसने चंचल मछली को देखा तुरंत अपना वो ध्यान छोड़ दिया अपनी एकाग्रता छोड़ दी और जो है चट से तुरंत चट चट दबाकर चोंच से और तुरंत ही चोंच में उस मछली को दबा लिया बगला क्या करता है मछली को देखता है तुरंत पानी के अंदर चोंच डालता है और मछली को पकड़ लेता है मछली को लेकर नीचे गले में है डालता मुँह में चोंच में मछली ले लिया और तुरंत उसने गले से में डाल दिया मतलब गले से नीचे कर दिया एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया। अब उन्होंने कि एक चिड़िया है जिसकी माथा जो है वो काला है काले माथे वाली एक चिड़िया मैंने चतुर चिड़िया देखी जिसके श्वेत पंख यानी कि सफेद पंख हैं। के झपाटे मार फौरन मतलब तुरंत फड़फड़ करती हुई आई कहां आई तालाब के पास में तुरंत झट से फड़फड़ करती हुई अपने पंखों को फहराती हुई आई टूट पड़ी बले भरे जल के हृदय में और जैसे ही जल था जल के अंदर तुरंत कूद गई जल के अंदर उसने चोंच मारी और एक उजली चटुल मछली और चमकीली एक जो है जो मछली जिसको चटुल बोले उन्होंने एक चमकीली मछली को उसने अपनी पीली चोच में दबाकर दूर उड़ती गगन में उसने अपनी पीली चोच में उसको दबाया और वो कहा चली गई गगन में यानी आकाश में दूर उड़ती हुई चली गई तो अभी हमने लाइन वाइज समझा दिया अब हम आपको फिर से देखेंगे क्या हुआ अब उसी तालाब के पास बैठे हुए केदारनाथ अग्रवाल उन्होंने के अभी जो है तालाब के बारे में बता दिया फिर दूसरे पैर में क्या बता रहे हैं वो कि जो है उसी तालाब में एक बगुला जैसे साधु ध्यान मग्न रहते हैं वैसे ही वो ध्यान मुद्रा में वहां पर अपने दोनों पैर पानी में डुबाकर खड़ा हुआ है पर जैसे ही एक चंचल मछली को देखता है वो अपने ध्यान को तोड़ देता है और तुरंत ही चोंच मार के उस मछली को पकड़कर अपने गले से नीचे उतार लेता है तभी दूसरी तरफ से देखते हैं कि एक काले माथे वाली चालाक चिड़िया वहाँ पर आती है और जल्दी से वो पानी के अंदर एक डुबकी लगाती है छट से आकर पानी के हृदय को चीरते हुए डुबकी लगाती है और वहाँ से एक छोटी सी चमकीली मछली को अपनी पीली चोच में दबाकर दूर आकाश में कहीं पर उड़कर चली जाती है इसको इस तरीके से हम लिखेंगे और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई ट्रेन का टाइम नहीं मैं यहां स्वच्छंद हूं जाना नहीं है सॉरी <coughs> 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 <Sorry. coughs> और यहीं से जहां मैं बैठा हूं तालाब के पास से वहीं से जो है थोड़ी सी भूमि ऊंची हो गई है मतलब अब वहां से अभी तक समतल खेत थे अब वहां से भूमि ऊंची हो गई है थोड़ी सी उस पहाड़ी पर ट्रेन की पटरी जा रही है क्या हो रहा है वहां से अब एक ट्रेन की पटरी जा रही है ट्रेन का टाइम नहीं मतलब मेरे ट्रेन, ट्रेन का अभी टाइम नहीं हुआ है जो अब जिस ट्रेन को क्योंकि अब गांव से लौट के आए थे और स्टेशन जा रहे थे उनको ट्रेन पकड़नी थी तो रास्ते में जब इनको ये परिदृश्य मिला सारा दृश्य मिला तो वो वहीं आकर बैठ गए अब जब बैठ गए तो अब क्या हुआ वो बोलते हैं कि जहां से तालाब खत्म होता है वहीं से जमीन ऊंची हो गई है और वहीं पर से ट्रेन की पटरी जा रही है उसी ट्रेन की पटरी से मेरी ट्रेन जाएगी पर मेरी ट्रेन का अभी टाइम नहीं हुआ है मैं स्वच्छंद हूँ अर्थात मैं अभी आजाद हूँ मुझे अभी कहीं नहीं जाना अर्थात, मुझे इसी परिदृश्य में यहां पर बैठना है है। और इस सारे दृश्य का खूब आनंद लेना चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार हैं। अभी तक तो इन्होंने बहुत अच्छा खेतों का तालाब का सब बहुत अच्छा दृश्य प्रस्तुत किया अब जैसे ही उससे थोड़ा सा और आगे ये बढ़ते हैं दृश्य को देखने के लिए तो इनकी आंखों में क्या आता है अब ये जो एरिया है जहां पर ये बैठे हैं ये चित्रकूट जगह का नाम है वहां से तो क्या बोल रहे हैं कि यहां से चित्रकूट की अनकर अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची नीची पहाड़ियां हैं मतलब कहीं कम का ऊंची हैं कहीं नीची हैं इस तरीके की बहुत सारी पहाड़ियां हैं दूर दिशाओं तक फैली हैं मतलब दूर दिशाओं तक ये ऊँची नीची पहाड़ियां फैली हुई हैं अब ये पहाड़ियां कैसी हैं बंजर हैं बांझ हैं यहाँ पर कोई भी हरियाली नहीं है इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार पेड़ जो है रीवा के कांटेदार बदसूरत पेड़ उगे हुए हैं तो यहाँ पर क्या है यहाँ से आप बंजर परिदृश्य शुरू हो रहा है अभी तक तो ये सुंदर देख रहे थे अब उसके बाद क्या है बंजर परिदृश्य शुरू हो गया है तो यहां पर अब जिन्होंने खूब अच्छे से सारी चीजें बताई अब क्या बोल रहे हैं सुन पड़ता है मीठा मीठा रस्ट पकता सुगे का स्वर टे टे टे, -टे, -टे। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर टिटरो टिटरो मन होता है उड़ जाऊं में मन होता है उड़ जाऊं में पर फैलाए सारस के संग जहां जुगुल जोड़ी रहती हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लू चुपे चुप तो यहां पर क्या कह रहे हैं अब वहां पर बैठते इन्होंने आगे का परिदृश्य हमको बता दिया था कि बंजर है लेकिन अभी तक इन्होंने जो दृश्य दिख रहा है वो चीजें बताई अब जो इनको आवाजें सुनाई दे रही है अब ये उसके बारे में बता रहे क्या है मुझे सुनाई पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता है किसमें सुग्गे के स्वर में टेटे टेटे -टे. मुझे जो है धीरे धीरे जो है बड़ा रसीला सा एक स्वर सुनाई दे रहा है किसका सुग्गे मतलब तोते का तोते का टेटे करता हुआ जो है स्वर सुनाई दे रहा है और उसके स्वर में जैसे लग रहा है रस टपक रहा है सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता अब क्या है है एक आवाज़ और सुनाई दे रही है। जो इस पूरे शांत वन स्थली का जो है वो हृदय चीर रही मतलब सन्नाटे को चीर रही है उठता गिरता सारस का स्वर मतलब सारस चिल्ला रहा है जो कभी तेज है और कभी कम है तो सारस का स्वर कैसा है टिटरो टिटरो तो क्या है सर कैसे चिल्ला रहा है टिटरो, टिटरो करके सारस का स्वर कभी तेज और कभी कम होता हुआ सुनाई दे रहा है मन होता है उड़ जाऊं मेरा मन करता है मैं उस सारस के साथ कहीं उड़ जाऊं मेरा यहां से मन नहीं कर रहा मेरा मन कर रहा है कि मैं इस सारस के साथ उड़ जाऊं पर फैलाए सारस के संग कहां पर सारस के फैलाकर कहीं पर उड़ जहां जुगल जोड़ी रहती है, हरे जहाँ में सच्ची प्रेम कहानी सुन लू तो जहाँ पर इस सारस की जो है सच्ची प्रेम कहानी सुनने वाला जो दो, दोनों जोड़े हैं ठीक है दोनों जोड़े जो हैं, वो टिके हुए हैं, हम्म तो दोनों जोड़े जहां पर हैं वो सच्ची प्रेम करते हैं सब कुछ करते हैं और वो वहां पर हैं, तो मैं कहाँ जाना चाहता हूं मैं सारस के साथ उड़कर वहां जाना चाहता हूँ जहां इनकी सच्ची प्रेम कहानी चल रही है और चुपके से बैठकर कहीं कहीं कोने में मैं उनकी सच्ची प्रेम कहानी को सुन लेना चाहता हूं तो यहाँ पर हमने आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया कि ये हमको क्या से क्या बता रहा है उन्होंने प्राकृतिक दृश्य हमको सारे समझाए उनकी सिमिलैरिटी जहाँ जहाँ वो उन्होंने इंसानों से करी जैसे दूल्हे से किया युवती से किया तो ये सभी जगह क्या है मानवीयकरण अलंकार जहाँ पे प्रकृति का जो है संबंध हम प्रकृति की तुलना मानवों से या मानवों की गतिविधियों से करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है मानवीयकरण अंकार होता है तो इस तरीके से ये पूरा पार्ट मैंने आपको समझा दिया आपको समझ में अच्छे से आ गया अब थोड़ा सा जो है आपको एक चीजें ध्यान रखनी है कि जो जो चीजें हैं उनका आपको रूप सौंदर्य जरूर याद रखना होगा रूप सौंदर्य मतलब कि किसका किससे तुलना की गई है किसकी आप जैसे हमने चने चने के पेड़ की किससे दूल्हे से करी अलसी के पेड़ किससे करी हटीली जिद्दी युवती के साथ करी सरसों की किससे करी दुल्हन के साथ करी तो ये तीन तुलनाएं हमारे सामने आई थी तो बहुत ध्यान से इन सारी चीजों को याद रखना है क्यों क्योंकि यहाँ पर जिनसे तुलना की जा रही है वो मानव है जीवित व्यक्ति हैं हु? और किसकी तुलना कर रहे हैं हम प्रकृति यानी कि जड़ जड़ जिनमें जान नहीं होती तो इनकी तुलना हम मानव से कर रहे हैं तो यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होगा कई जगह आपको रूपक अलंकार भी मिलेगा तो ये हम अभी आपको जब क्वेश्चन आंसर समझाएंगे तो उसके साथ साथ हम सारा समझाएंगे आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इसके आगे के हम प्रश्न उत्तर लेकर थोड़ी देर में आपके सामने उपस्थित होते हैं थैंक यू